नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। आपका दावा है कि केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया है। कोर्ट ने अब 3 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। तब तक केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान ईडी को क्या क्या जानकारियां और सबूत मिले हैं वे कोर्ट को ये भी बताएं। केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी करते हुए केजरीवाल को तत्काल रिहा करने की अपील की। जिरह के दौरान सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे मंशा आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले ही राजनीतिक रूप से कमजोर कर देना है। सिंघवी के मुताबिक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंघवी के मुताबिक ईडी ने असहयोग शब्द का दुरुपयोग किया है और केजरीवाल पर सहयोग नहीं करने का बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। ईडी की ओर से पेश असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से समय मांगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की ही एक अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई को लेकर ईडी से 2 अप्रैल तक नोटिस का जवाब देने को कहा है ताकि 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई हो सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, जिसका नाम है श्रेष्ठ भारत।